अपने जागरूकता अभियानों में आप स्थानीय उत्पादों के उपयोग के लिए लोगों को जरूर प्रोत्साहित करें। लोग अपने घर में, आपके जो भक्त लोग हो ना, उनको कहो भाई तुम्हारे घर में विदेशी चीजें कितनी हैं और हिंदुस्तान की चीजें कितनी, जरा हिसाब लगाओ। छोटी छोटी चीजें हम विदेशी घुस गई हमारे घर में, तो हमारा देश का व्यक्ति क्या पर? अब मैंने देखा छाता, और छाता बोले विदेशी छाता है। अरे भाई, हमारे देश में छाता सदियों से बन रहा है, अब विदेशी लाने की क्या जरूरत है? हो सकता है 2-4 रुपए ज्यादा लगेगा, लेकिन हमारे कितने लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि इतनी चीजें हैं जो हम बाहर का लाने का शौक बन गया है। मैं, आप लोग उस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, आप इस बात में लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को आप दिशा दे सकते हैं, और इसके कारण भारत के मिट्टी की बनी हुई चीज हो, भारत के मिट्टी में बनी हुई चीज हो, भारत के लोगों का जिसमें पसीना हो, ऐसी चीजें। और जब मैं ये वोकल फॉर लोकल कहता हूँ, लोगों को लगता है दिवाली के दिए, दिवाली दिए नहीं भाई, हर चीज भी। और देखिए, सिर्फ दिवाली के दिए में अटक मत जाइए। ऐसे ही आप जब हमारे बुनकर भाइयों बहनों को, हस्तकारीगरों से मिले, तो उन्हें सरकार का एक जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल के विषय में बताइए। भारत सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिसकी मदद से कोई भी दूर सुदूर कहीं पर भी रहता हो, वो अपने चीज जो बनाता है वो सरकार को अपने बेच सकता है। एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये आग्रह मेरा ये भी है कि जब भी आप समाज के भिन्न भिन्न वर्गों ने मिले, उनसे बात करें। नागरिकों के कर्तव्य पर बल देना चाहिए, नागरिक धर्म बजाना की बात हमने बतानी चाहिए। और आप लोग तो पितृधर्म मातृधर्म ये सब बताते ही हैं, देश के लिए नागरिक धर्म भी उतना ही जरूरी होता है। संविधान में निहित इस भावना को हमें मिलकर मजबूत करना है। इसी भावना को मजबूत करते हुए हम नए भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।